नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीटीएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हरविंद कुमार सिंह। नगर निकाय चुनाव में जैसे जिस समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के वादे और दावे करने की मांग बाहर आ गई है। इसी निकाय चुनाव कवरेज के दौरान हमारे संवाददाता दिलीप गुप्ता ने झांसी के स्थानीय प्रत्याशियों से बातचीत की, उनसे चुनावी मुद्दों के बारे में जानने की कोशिश की। क्या कुछ बोल रहे हैं प्रत्याशी, आइए सुनते हैं। वार्ड नंबर 14 के प्रत्याशी दीपक नीमा से बात कर रहे हैं, बातचीत करके उनसे पूछते हैं बातचीत क्या है, कांग्रेस की मुद्दे की बात। मेरा नाम दीपक नीमा एडवोकेट है और मैं वार्ड नंबर 14 से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ। और मैं अपने जैसे कांग्रेस की नीति है कि वार्ड जो भी यानी सभासद यानी चुनाव जीत के आते हैं तो सबसे पहले वार्ड को हमें अपने वार्ड को अपना यानी घर जैसा समझते हैं। और वार्ड की जो भी मूलभूत समस्याएँ हैं, पानी की, नाली की, बिजली की, सड़क की, सुचारू रूप से उसका यानी ठीक ठाक उसे कराना है। और जनता की हर समस्या को अपनी समस्या समझकर हमें उसका निस्तारण करना है। आपकी संस्था कौन सी है? मेरी संस्था 2007 में हम लोगों ने एक संस्था का गठन किया था, सभी जो समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके माध्यम से युवा समाज संस्था। और वो यानी नियंत्रण गरीबों के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए, गरीब असहाय लोगों के लिए हमेशा यानी प्रयासरत रही है। जनता के लिए क्या क्या करना चाहते हैं? जनता के लिए मैं जो भी जनता की समस्याएं हैं, जो भी जनता की मूलभूत समस्याएं हैं जिनको जनता की जरूरत है, कोई भी मान लो पीड़ित पक्ष या मान लो कोई भी समस्या जो जनता मेरे पास लेके आती है, मेरा पहला और आखिरी दायित्व बनता है कि मैं उस समस्या का हल करूँ। BSP पार्टी से सभासद प्रत्याशी हूँ। मैं BCom और LLB हूँ। अपने सेक्टरी में एज ए जूनियर और प्रैक्टिसिंग कर रहा हूँ। मैं यहाँ से पार्टी से मुझे टिकट मिला है ताकि मैं अपना क्षेत्र का विकास कर सकूँ, यहाँ पे जो गंदगी है उसे हटा सकूँ, पूरा जितनी भी समस्या है उनका समाधान कर सकूँ। और हमने अपना एक ऑब्जेक्टिव बना के रखा है कि हर मोहल्ले में अपने एक प्रतिनिधि रखेंगे, उसी मोहल्ले में जो वहाँ की रोज की चीज़ों को देखेगा, साफ सफाई को देखेगा, समस्या को सुनेगा और हमें जब रिपोर्ट करेगा ताकि हम उसका तुरंत से तुरंत और जितनी जल्दी हो सके समाधान कर सकें। पहले भी आपने समाज सेवा भी करते थे पहले? हाँ जी, ये बस पहले थोड़ा NGO में काम किया है मैंने दिल्ली में, और LLB में भी मैं थोड़ा अपना फ्री वो देता हूँ, लैग परामर्श वगैरह फ्री निःशुल्क करता हूँ समाज सेवा के रूप में। आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि ये बहुत आगे जाएंगे, बहुत समाज सेवा में बहुत अच्छी हैं, सक्षम हैं और दिन और रात बराबर कर देती हैं। कोई भी समस्या आती है, कोई भी इनसे कुछ कहना चाहता है तो पूरी पूरी बात सुनते हैं और समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करती है, जहाँ तक होता है उससे ज़्यादा कोशिश करती है। लोगों का धन्यवाद जो हमें इस वोट में मतलब देने के लिए सामने आए। इसमें हम चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उनकी सुरक्षा होना चाहिए और उनको और जो युवा वर्ग है उनको बेरोजगारी से हटाना, और दूसरा महिलाओं वो बिजली एवं पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था करना, तीसरा है जन सुनवाई केंद्र जिसमें कि हमारी कोई दिक्कतें हैं तो वो जो है हमको आके बताएं कि हमको इस तरह की परेशानी है, नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करना और योग केंद्र की स्थापना करना और जूनियर हाई स्कूल की भी स्थापना करना, जैसे कि कई गरीब बच्चे हैं नहीं पढ़ पाते हैं, गरीबी के कारण माँ बाप उनको उसे पे नहीं कर पाते हैं स्कूलों के, तो इसके लिए उनको जो है हम जूनियर हाई स्कूल की स्थापना करें जिससे कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करें। BSP पार्टी से अपनी बार खड़ी हुई है, BSP पार्टी से, और आपका क्या कहना लग रहा है? मेरा ये कहना है बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हूँ श्रीमती रेखा प्रेम भगवान, और क्षेत्र के लिए स्वागत है, भाजपा को नई
नहीं चल रहे हैं आदमी बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं और महाराज के लिए भी वोट मांग रहे हैं, सज्जन व्यास के लिए और रेखा सुखवा के लिए, और आदमी इतना स्पष्ट है और यहाँ पे आदमी जो मतलब वो है यहाँ पे भाजपा से जुटा हुआ है आदमी आदमी चाह रहा बहुजन समाज पार्टी के मेयर बने और पार्षद बने, क्षेत्र का विकास हो, हर आदमी यहाँ पे सब कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए हम वोट करेंगे।